रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। आत्महत्या, दबंग और साहूकारों के कर्ज से परेशान चौकीदार ने की आत्महत्या। मध्य प्रदेश में सरकार चाहे लाख प्रयास करे और दलितों का शोषण और गरीबों पर अत्याचार रोकने के लिए कितने भी प्रयास कर ले, मगर दबंग द्वारा दलितों का शोषण और अत्याचार जारी है। कोतवाली थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवलखेड़ा में चौकीदार अमन सिंह के दबंगों की पिटाई से और उसको मिली सरकारी जमीन जोतने से परेशान होकर की आत्महत्या। मृतक के बेटे लगा रहे हैं थाने के चक्कर, पुलिस नहीं लिख रही है रिपोर्ट। गरीबी की उन्नति के लिए सरकार लाख प्रयास कर ले, लेकिन गरीबी पर अत्याचार आज भी जारी है और दबंगों को पुलिस पर सरकार पर कोई डर नहीं है। मामला है रायसेन जिले के ग्राम देवलखेड़ा का, जहां चौकीदार अमान सिंह को मिली सरकारी जमीन पर गांव के दबंगों द्वारा ब्याज पर पैसा देकर उसकी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और पूरा पैसे देने के बाद भी अमान सिंह और पैसे लेने के लिए परेशान कर रहे, जिससे परेशान होकर अमान सिंह ने आत्महत्या कर ली। जैसे हम लोग तो वहां थे, घर पे बहन थी, वो बहुत ही पिताजी आए और कहने लगे कि विमल ने और उसके बाप ने, वो क्या नाम है उसका, बीरन, इन लोगों ने मुझे पीड़ित किया, मारा, मुझे गाली दी और कहने लगे मादरचोद तूने मेरा पैसा नहीं दिया और मेरी ज़मीन जोत रहा है। तो साहब हमने उसका पैसा दिया, इसके बाद ही उसने पीड़ित किया और उसी का पूरा परिवार हमारी ज़मीन जोत रहा है। हम लोगों को भी परेशान करते हैं, तेरा बाप पैसे ले रहा है हमारे बाप को, जे लोग क्या करते हैं 5,000 रुपये दे दिया, उसका 5 का 50 बना लिए, 1,00,000 बना लिए, 2,00,000 बना लिए। हमने उस हमारा साहब जब से हमने जमीन का एक भी मतलब आज तक उसको जोता नहीं है। कम मिली थी जमीन, कितनी जमीन? ओम कालेश्वर से हमारे संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। कोविड-19 को लेकर स्थानीय प्रशासन हुआ सख्त, थाना प्रभारी दल बल के साथ दुकानदार एवं लोगों को समझाइश दी तथा नियमों का पालन नहीं करने पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की हिदायत भी दी। कोरोना वैश्विक महामारी की रोकथाम को लेकर तथा जिले के आसपास पॉजिटिव मरीज बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते एहतियात एवं सख्ती के चलते अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज ने दस्तक नहीं दी है। इसी प्रकार व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहे, स्थानीय प्रशासन सुबह से फ्लैग मार्च करते हुए दुकानदारों को सैनिटाइज का उपयोग, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एवं करवाना और दुकान के पास गोले बनवाकर नियमों का पालन करने की हिदायत दी। ओम कालेश्वर से हमारा संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। तराना से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। योद्धा के रूप में नजर आ रहा है मेडिकल संचालक नीरज खंडूजा। हाई स्कूल एग्जाम को देखते हुए मेडिकल संचालक ने भेंट की सैनिटाइजर मशीन, प्रशासनिक कार्यालय में भेंट की सैनिटाइजर मशीन, लॉकडाउन में 800 से 1000 मरीजों के घर तक पहुंचाई जीवन रक्षक औषधियां। तराना या तराना उज्जैन ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेश में भी दवाई पहुंचाई, पार्सल सुविधा उपलब्ध है निःशुल्क। लॉकडाउन से देश में ही आम जनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, पर सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को आई जो मरीजों की दवाई अपने क्षेत्र से अलग क्षेत्र में चल रही थी, जिन्हें दवाई के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उनकी दवाइयों की व्यवस्था भी अमर मेडिकल संचालक नीरज खंडूजा द्वारा की गई। बड़ी बात यह है कि जो चार्ज दवाई पहले मिलती थी उसी मूल्य पर जरूरतमंदों तक घर तक पहुंचाई दवाई। इसके साथ भी शासकीय स्कूलों में हैंड फ्री सैनिटाइजर मशीन